हेलो एवरीवन, कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, अगर मुझे अपने फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने वेब ब्राउजर हमें अपना ओपन करना है। हर एक फेडोरा या लिनक्स के अंदर जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आता है वो आपका आता है फायरफॉक्स। तो सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे। ब्राउजर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल टाइप करेंगे। जैसे गूगल टाइप कर दिया और गूगल टाइप करने के बाद मुझे यहाँ पे सर्च करना है वर्चुअल बॉक्स। जैसे ही वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे फिर उसकी ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे। फिर ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें वर्चुअल बॉक्स जो है वो डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हमें डाउनलोड जाएंगे और डाउनलोड्स के अंदर हमें किस में जाना है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जैसे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे चला जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर इसने बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रखे हैं कि जिस जिस चीज के अंदर मेरा जो है वर्चुअल बॉक्स अवेलेबल है। तो अभी जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं वो है फेडोरा 27। i386 होता है 32 बिट के लिए और AMD 64 होता है 64 बिट के लिए। तो अभी हमें क्या करना है, AMD 64 बिट पर इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे से ये पैकेज की फाइल पूछेगा और वो मुझे पैकेज कैसे कैसे वो मुझे अपने सिस्टम में पैकेज सेव करना है। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये पैकेज मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही सिस्टम में पैकेज डाउनलोड हो जाता है उससे साथ साथ आपने क्या करना होता है, उसके साथ साथ आपने कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है। और वो कमांड है ये वाली, अगर हम इसको बड़ा करके देखेंगे तो आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो अगर हमें सबसे पहले पैकेज जो कोई भी इंस्टॉल करना होता है तो उससे पहले उसकी रिपोजिटरी फाइल जो है वो चेक करनी होती है। रिपोजिटरी फाइल्स का मतलब मेरे सिस्टम में, और वर्चुअल बॉक्स अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो मेरे सिस्टम में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें जो भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है वो सुपर यूजर में, तो हम पहले क्या करेंगे सुपर यूजर में चले जाएंगे। सुपर यूजर आपका जो सिस्टम का रूट यूजर होता है वो आपका सुपर यूजर होता है। जैसे ही मैं सुपर यूजर चला जाऊंगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इस वाली मेंशन डायरेक्टरी के अंदर जाना होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस वाली डायरेक्टरी के अंदर हम चले जाएंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट, अभी यहाँ पे हमसे एक गड़बड़ हो गई क्योंकि ये चेंज डायरेक्टरी का था, तो इसलिए हमें पहले सीडी लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं चेंज कर देता हूँ मैं सिस्टम की रिपोजिटरी में आ जाता हूँ। फिर उसके बाद तो जो हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है वो करनी है डब्लू गेट, फिर यहाँ पर द फेडोरा रेपो फाइल, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक लोकेशन। जैसे ही कॉपी लिंक लोकेशन पे पुट करूंगा और उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो जो भी उसके लिए उससे रिलेटेड रिपोजिटरी फाइल होगी ये मेरे सिस्टम को सर्च कर देगा। अब जैसे ही मैंने इसको एंटर किया ये रिपोजिटरी फाइल चेक कर रहा है और वो फाइल मेरे सिस्टम में पहले ही अवेलेबल है तो यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा। अगर आपके यहाँ पर ये फाइल पहले ही अवेलेबल नहीं होती तो वो आपके सिस्टम पे आपसे पूछेगा कि आपको ये डाउनलोड करनी है नहीं, तो आपके पास यहाँ पे वाई और नो का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने उसमें वाई एंटर करना है और एंटर करने के बाद वो रिपोजिटरी फाइल इंस्टॉल हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो आपने कमांड जो एग्जीक्यूट करनी है वो है यम इंस्टॉल और फिर हमें जो हमने पैकेज डाउनलोड किया था उस पैकेज का नाम, जो पैकेज था वो मेरा कहाँ पे था, स्लैश होम, फिर स्लैश आपका यहाँ पे जो यूजर नेम आएगा, मेरे यूजर का नाम है कंप्यूटर गुरु हब, और फिर वो डाउनलोड फोल्डर में। तो डाउनलोड के लिए हमें पता है लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव होता है, तो जिस वर्ड को एग्जैक्टली जिस फॉर्म में लिखा जाएगा वो उसी फॉर्म में लिखना, फिर मैं टैब की दबाऊंगा तो ये ऑटो कम्प्लीट हो जाएगा। अब मुझे पता है मेरे डाउनलोड की लोकेशन में एक वर्चुअल बॉक्स का नाम का एक सॉफ्टवेयर पड़ा है, तो मैं अगर वर्चुअल बॉक्स करके टैब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसने पैकेज को
उठा लिया है, जो भी मैंने पैकेज इंस्टॉल करना है 64.rpm, तो ये वाला जो मेरा पैकेज है ये इसने इंस्टॉल कर दिया। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो क्या हो जाएगा, मेरे सिस्टम में जो है ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा। उससे पहले ही मुझसे पूछेगा मुझे इंस्टॉल करना है नहीं, तो यहाँ पे आपने वाई करना है और एंटर कर देना है। अब जैसे ही ये होगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, मेरे सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर देगा। आपने बस वाई वाई एंटर करना है और उसके बाद ये पैकेज इसको डाउनलोड करेगा और मेरे सिस्टम में अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट फाइल है वो सारी मेरा सिस्टम जो है एग्जीक्यूट कर रहा है। और जैसे ये हो जाएगा मेरे पास, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो हमारा वर्चुअल बॉक्स है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस है, अभी हमारा वर्चुअल बॉक्स जो है वो सिस्टम में इंस्टॉल रखा है। अगर आपको लिनक्स से रिलेटेड वीडियोस और भी वीडियोस देखनी है कि कोई लिनक्स की कमांड कैसे काम करती है, तो उस टाइम पे आप मेरे वेबसाइट या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो गया, कम्प्लीट होने का मतलब है मेरे सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो गया। अब उसको मुझे अगर चेक करना है तो मैं यहाँ पे एक्टिविटीज, फिर यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स और फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे ही मैं देखूंगा मेरे सिस्टम और ओरेकल वर्चुअल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल हो गया है, और जैसे ही मैं उसको करूंगा तो ये वर्चुअल बॉक्स को मैं यूज कर सकता हूँ। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।